₹800 becomes ₹956 in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will ₹800 become in 3 years? ₹800 तीन साल में ₹956 बन जाते हैं, ठीक है? मानो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%. अब हमें क्या बोला, यही अगर तीन साल होते, मतलब यही मान लो ₹800 अगर तीन साल के लिए देता, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता, 4% एक्स्ट्रा होता, तो अमाउंट कितना होता? लॉजिकली सोचो, देखो ₹800 का 1% कितना होता है, ₹800 का 1% कितना होता है, ₹8, 4% कितना हो गया, 32 रुपीज़. ये एक साल के लिए है, ये क्या है, एक साल के लिए है. हमने कितने साल के लिए है, 3 ईयर्स के लिए. तो ये 3 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, एक साल के लिए 4% है, तो 3 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, 12%. अगर 4% 32 है तो 12% कितना आ जाएगा, ₹96. अगर 4% 32 रुपीज़ है तो 12% कितना आ जाएगा, ₹96. मतलब ये कि तीन साल में कितनी एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, 96. तो मेरा आंसर क्या होगा, 956 प्लस 96. अब या तो आप ये ऐड कर लो, मैं ऐड नहीं करूँगा, मुझे ये पता है 6 और 6 कितना है, 12 की यूनिट डेट क्या है, 2. एक ही ऑप्शन में यूनिट डेट है, तो वही आंसर होगा, 1052 रुपीज़. दिस इज द आंसर. आंसर क्या है, 956 प्लस 96 रुपीज़.